हेलो गाइस, दिस इज़ अदील और आप देख रहे हैं सुपर टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे पहली गेमिंग ब्राउज़र के बारे में, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है। सो चलिए इसको चेक करते हैं और इसके फीचर्स जानने की कोशिश करते हैं। सो सिंपली आपने पहले गूगल पे जाके ओपरा GX टाइप कर देना है। यहाँ से इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इसके लिए कोई लॉगिन और एक्स्ट्रा आईडी वगैरह की ज़रूरत नहीं है। और ये हमने कर दिया स्टार्ट डाउनलोडिंग। ओपरा GX को इंस्टॉल कर चुके हैं, तो चलिए हम इसे अब रन करके इसके फीचर्स जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा गाइस, सबसे बेहतरीन बात यह है, जैसे कि आप ओपरा GX ओपन करते हैं तो आपको स्क्रीन में यहाँ पे बहुत सारे गेम्स के हवाले से डिटेल देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे है हमारे पास रिलीज कैलेंडर। सो गाइस, इस कमांड में आप अपकमिंग गेम्स की तमाम डिटेल्स इजीली देख सकते हैं और इसमें मौजूद गेम्स के नाम और रिलीज होने वाले डेट सब कुछ मेंशन किया गया है। जैसे कि हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं कोई गेम, जैसे हिटमैन 3 और इसके बारे में डिटेल्स, आप यहाँ से कोई भी गेम के डिटेल्स आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं और मज़ीद आप टैप देख सकते हैं। और सेकंड यहाँ पे हमारे पास है फ्री गेम्स, आप फ्री गेम्स यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली, आप इनको इंस्टॉल करके प्ले कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम क्लिक करते हैं कुछ गेम्स की तरफ, जैसे कि स्क्रीन में आप देख सकते हैं यहाँ पे है हमारे पास एपिक गेम्स में, एपिक गेम्स की तरफ से है। और इसी तरह साथ साथ और मज़ीद न्यू और अपकमिंग जो गेम्स आने वाले हैं उनकी तमाम लिस्ट मौजूद है, आप यहाँ पे उन गेम्स को देख सकते हैं। इसी तरह जो पेड गेम्स है उनके ऊपर जो है आपको यहाँ पे डिस्काउंट भी देखने को मिलता है। गेम के अपकमिंग जो ट्रेलर्स है वो भी आप स्क्रीन में देख सकते हैं। जैसे हम इसे स्क्रॉल मूव करते हैं और यहाँ पे हमें तरह तरह के गेम्स देखने को मिलते हैं। इसके साथ अगर हम बात करें ब्राउजिंग टैब के बारे में तो वो भी एक बेहतरीन लुक के साथ हैं, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन इंटरफेस बनाया गया है ओपरा GX की तरफ से। में एक एक्स्ट्रा जो फीचर उन्होंने ऐड की है वो है GX कंट्रोल। इस GX कंट्रोल की मदद से आप अपने कंप्यूटर को मैनुअल तरीके से कमांड और मैनुअल तरीके से आप उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा है GPU और RAM, इस तरह के अगर कोई जो हैवी टास्क है तो आप इनको किल कर सकते हैं जो बैकग्राउंड में चलते हैं। इसके साथ साथ आप अपने नेटवर्क को भी लिमिटेड रख सकते हैं। अगर आपको इंटरनेट का इशू है या मिसाल आपके साथ कोई और इंटरनेट यूज़ करें तो अगर उसको कोई इशू है तो आप इंटरनेट को लिमिटेड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप रैम की भी लिमिट कम कर सकते हैं कि आप ब्राउज़र को कितना रैम देना चाहते हैं। इसमें भी आपके पास रैम लिमिटर भी पड़ा है और इसी तरह मज़ीद आपके पास ऑप्शन है, जैसे कि CPU की लिमिट भी आप जो है कम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे मैक्स लो मिड पे हम अपने मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। और गाइस, ये कुछ बेहतरीन फीचर्स जो है हमें देखने को मिले और इसमें मज़ीद भी कुछ ऑप्शंस है, जैसे कि इसमें एक और एडिशनल ऑप्शन है GX क्लीनर के नाम से, आप जो है मज़ीद जो सॉफ्टवेयर्स जो बैकग्राउंड में एक्सेस कर रहे हैं उनको आप क्लोज कर सकते हैं और अपने सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं इस क्लीनर की मदद से। और नॉर्मली बाकी तमाम अदर वो सेटिंग्स भी मौजूद है। सेटिंग्स में जैसे हमारे पास यहाँ पे 3 की स्टाइल्स है जो कि देखने में बहुत ही कूल है। ये देखिए गाइस, एक से बढ़कर एक बेहतरीन थीम और स्टाइल्स हमारे पास मौजूद है। सो गाइस, आई होप आपको जो है ये ब्राउज़र पसंद आया होगा। जल्दी जल्दी आप इस वेब ब्राउज़र को इंस्टॉल करें। वीडियो पसंद आने की सूरत में आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलें। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।